हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप एक बार फिर आप लोग के लिए के इन्फॉर्मेशन ले आऊँ जो कि आपका है आसन टू हटिया एक्सप्रेस, जो कि गाड़ी संख्या 13513। इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं आसनसोल से खुलने के बाद जो स्टेशन आती है वो चितरंजन स्टेशन, उसके बाद आता है जमदाड़ा, उसके बाद फिर मध्यपुर, फिर न्यूगिड़ी, उसके बाद जमुआ, उसके बाद धनवार, फिर नावाडी, फिर महेशपुर होल्ड, कोडरमा, बरही, हजारीबाग, बड़का काना, मिश्रा, टाटी सिलवे, हटिया, रांची, अंत में रांची, जो कि आपका सफ़र होगा। ये टोटल स्टॉपेज आपका 16 स्टॉपेज होने वाला है, जो कि आपका ये आसनसोल डिवीज़न से इसका देख रेख की जाती है और ईस्टर्न रेलवे में आता है। बता देते दोस्तों, ये आपका 430 किलोमीटर का सफ़र होगा, जो कि आपका 430 किलोमीटर में आपका लगभग सफ़र जो घंटे का होगा वो आपका सफ़र होने वाला आपका 11 घंटे 50 मिनट का सफ़र होगा, जिसमें कि आप इन सब स्टेशन से जाते हुए आप अपना सफ़र पूरा करेंगे। और फेयर की बात की जाए तो आपका ये चालू टिकट आपको 135 रुपये मिलेंगे और तत्काल कोटा में 165 रुपये मिलेंगे। सेकंड सीटर की बात की जाए तो आपको 150 रुपये देने होंगे और कार चेयर का 550 देने। दोस्तों बता देते हैं कि इंडियन रेलवे द्वारा ये हर दिन कुछ ना कुछ नए योजनाएँ लाई जा रही है, जिससे कि लोगों यात्रियों के लिए एक शोभा की बात होती है। और ये न्यू गिरिडीह से होते हुए लोगों का सफ़र होता है, जिससे कि लोग अपना अपना सफ़र पूरा करते हैं। ये न्यू गिरिडीह वासियों के लिए एक नया सौभाग्य की बात है, क्योंकि आसनसोल जाने में लोगों का और भी आसानी हो गया। पहले न्यू गिरिडीह से आसनसोल जाना एक लोकल पैसेंजर द्वारा जाना पड़ता था, लेकिन अब वो भाया न्यू गिरिडीह से डायरेक्ट आसनसोल के सफ़र करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन बेहद पसंद है। वीडियो अच्छे लगे तो प्यारा सो लाइक कर दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।